के पास घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि वो संध्या की टाइम पर रहते थे भगवान बुद्ध, तो अपने कमंडल उन्होंने आगे कर दिया। व्यापारी ने कहा कि कमंडल है आपका सर, इसमें तो गोबर लगा हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता क्या लगा हुआ है, आपको जो आपने पकवान बनाए हैं, जो अच्छे से अच्छा व्यंजन आपने बनाया है वो इसमें डाल लीजिए, मैं तो भोजन लेने आया हूं, कमंडल में भोजन लेता हूं। आपके पास बहुत अच्छे पकवान है मैं जानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कृपा करिए जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए, इस कमंडल में डालिए। व्यापारी बोला कि भगवान आपका जो कमंडल है ये तो बहुत गंदा है, ये साफ ही नहीं है, इसमें तो मेरा जितना भी भोजन में डालूंगा वो भोजन खराब हो जाएगा। लॉर्ड बुद्ध रिप्लाइड एट द सेम मोमेंट दैट दिस वेसल और यूटेंसिल कैन नॉट शेयर योर फूड, इसमें आपका फूड खराब हो जाएगा, ओके, बिकॉज इट इज नॉट एलिजिबल, सो यू हैव टू क्रिएट द एलिजिबिलिटी। व्यापारी ने कहा कि पत्र को साफ करके लाइए। लॉर्ड बुद्ध रिप्लाइड एट द सेम मोमेंट दैट जिस समय आप मेरे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे मैंने आपको बताया था कि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ईगो थी, आपके अंदर घमंड था, आपके अंदर यह था कि मेरे पास बहुत पैसा है और पैसे के बल पर मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। आज आपको यह एहसास हो गया कि अगर पात्र अच्छा नहीं है, उसके अंदर कुछ गंदगी है, तो अच्छा ज्ञान भी क्या होगा, उस पात्र में जाकर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो माई डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू डेवलप दैट एलिजिबिलिटी इन योर हर्ट दैट द टीचर विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू यू टू प्रोवाइड द विजडम एंड नॉलेज एंड दैट कैन बी इम्पॉर्टेड इजली बाय द टीचर। वो सबसे बड़ी चीज है। तो अपने अंदर पात्रता विकसित कर लो, एक लघु जैसी पात्रता विकसित कर लो, कबीर जैसी पात्रता विकसित कर लो। कबीर दास जी को आपने देखा था कि घाट की सीढ़ियों पर लहर गए थे, जो उनके गुरु थे रामानंद को उनको शिक्षा नहीं देना चाह रहे थे, उनके अंदर जाति भेदभाव की भावना थी, फिर भी कबीर दास जी ने सोचा कि ज्ञान तो मुझे प्राप्त करना ही है और इसी गुरु से प्राप्त करना है, तो बनारस में सीढ़ियों पर लेट गए। सुबह रामानंद आए, उनका पैर उन पर पड़ा और वो एकदम उठ गए और उन्हें गले लगा लिया। तो विद्यार्थी के मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कि मुझे शिक्षक से ही ज्ञान प्राप्त करना है। ये शिक्षक कैसा भी है, चाहे इसके अंदर कुछ ही बुराइयां हैं, लेकिन आई टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। अगर ये आपके अंदर डेवलपमेंट आ गया तो निश्चित रूप से आप भविष्य में अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, अच्छा कुछ जीवन में सीखेंगे और आपकी जो लाइफ है दैट शुड बी लाइक ए बर्निंग कैंडल, कि जब तक मैं रहूं कितने लोगों को ज्ञान दे दूं, कितने लोगों को मैं ज्ञान बांट दूं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए टीचर। ओके, तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि अभी हमारे यहां एक इंसिडेंट हुआ था, सेलिब्रेशन तो नहीं कर रही स्थिति में है क्योंकि हमें दुख है। दो दिन पहले ही हमारे विद्यालय का एक मेरा भी छात्र को हमने अपने हाथों से खो दिया। निश्चित रूप से हमारी संवेदनाएं ज्यादा बोलने की स्थिति में मैं भी नहीं हूं, बहुत कुछ आप लोगों से बात करता सर करता, लेकिन मैं आप लोगों को एक मैसेज दे रहा हूं, बच्चों अपने गुरु का आदर करना, हमेशा उससे सीखने की कोशिश करना, इसी में गुरु का भी सम्मान है और आपका भी सम्मान है। प्राचीन काल में जो शिष्य होता था वो बटुक कहलाता था और बटुक का इतना सम्मान होता था कि जब राजा की सवारी चलती थी तो राजा की सवारी दो ही जगह रुकती थी, राजा उतरता था, या तो कोई गर्भवती स्त्री सामने आ जाए, प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी ले जा रहे हो, या उसके सामने बटुक आ जाए, अदरवाइज कोई भी बिजनेसमैन कोई भी आ जाए राजा की सवारी के आगे रास्ता छोड़ना पड़ता था। तो प्राचीन काल में गुरुकुल के शिष्य का बटुक के रूप में इतना सम्मान था कि यदि सड़क पर बटुक आ रहा है तो राजा के आदमी एक तरफ हो जाती थी, राजा भी उतरता था, बटुक को सम्मान देता था। तो आप समझ लीजिए कि उस जमाने के शिष्यों का कितना सम्मान था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में गुरुओं का कितना सम्मान रहा होगा। जहां गुरुकुल के शिष्य के आगे राजा नतमस्तक हो रहा है, मां गुरुओं के आगे कितना सम्मान होगा। तो वो परंपराएं आज भी हमें विकसित करनी है, नालंदा और तक्षशिला की परंपराएं आज भी हम अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं, और यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक छात्र गुरु शिष्य संबंध जो है जिनमें आज दरार आदि नजर आ रही है समाज में देख रहा हूं मैं, वो शायद और प्रगाढ़ होंगे। ऐसी मेरी आप विभिन्न विद्यालयों में आए होंगे, जितने भी बच्चे हैं सभी से ऐसी आशा है और मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने विद्यालय में ऐसा वातावरण स्थापित करेंगे। धन्यवाद। सक्सेना सर, ऑनरेबल प्रिंसिपल।
principal of the Penny Vidyalaya for his mind-blowing keynote address on this.